नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज। राणा दंपति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुनाहों पर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, मुंबई, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ लगाए शासन। और आमदार चंद्रशेखर बावनकुले ने लोड शेडिंग के विरोध में किया लालटेन आंदोलन। लगाए ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद के नारे। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई में हनुमान चालीसा पठन को लेकर हुए घमासान के बाद गिरफ्तार की गई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को यहां की एक अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति की मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस पूरे प्रकरण में क्या मोड़ आया कि अब नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास में भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और मुंबई पुलिस अधिनियम पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बाद में प्राथमिकी में धारा 353 सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल या हमला करना और आईपीसी की धारा 124A यानी कि राजद्रोह के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत भी आरोप है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थी। घरत ने कहा कि अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दोनों के खिलाफ खार थाने में दो अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई है। सभी आरोप निराधार है। इसी बीच राणा दंपति की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बटनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। कुछ लोग गृह सचिव से मिलने गए क्योंकि उसके होठों पर खून लगा था और इस बात को आधार बनाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ऐसी अपील करते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में जहां पिछले 3 महीनों में 17 रेप हुए, क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए। अगर अपील करने जाने वालों को कोई परेशानी हो तो वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलने जाते हैं। जो हो रहा है वो पाखंड है। संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा आज सुबह किरीट सोमैया के दिल्ली विजिट पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा। सर, केंद्रीय गृह सचिवांना भेटायला गेल्या 2 वर्षांमध्ये केंद्रीय गृह सचिवांना भाजपचं शिष्टमंडळ, काय जरा म्हणतात ते तुम्ही, किंवा महामंडळ, ते 7 वेळा भेटून आलं। तेच विषय आता कोणाला तरी इथे थोडंसं ओठाखाली रक्त आलं म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावा सांगायला गेले। उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या 3 महिन्यामध्ये सरकार आल्यापासून 17 बलात्कार झाले। कालचं प्रकरण प्रयागराजचं मी पाहत होतो, तृणमूल काँग्रेसचं शिष्टमंडळ त्या मुलीला भेटायला गेलं होतं काल। किती बलात्कार झाले चेक करा तुम्ही, तिथे लावत्या का राष्ट्रपती राजवट? महाराष्ट्रामध्ये ह्या लोकांना काही काम नाही, धंदा, राष्ट्रपती राजवट लावा, अमुक करा। तुमचे काही प्रश्न असतील लॉ अँड ऑर्डर संदर्भात किंवा अजून काही, तुम्ही राज्याच्या गृहमंत्र्यांना भेटायला हवं, तुम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटायला हवं, भेटा ना। असं देखील कळतंय की जे अमित शहा आहेत, अमित शहांना देवेंद्र फडणवीसांनी कालच फोनवरनं या संदर्भात ती माहिती दिली। काही माहिती दिलं, काय हरकत नाही आहे। उत्तर प्रदेशमध्ये 17 बलात्कार झाले गेल्या 3 दिवसात, त्याच्याविषयी सुद्धा कोणी माहिती देत असेल गृहमंत्र्यांना, घेतली असेल माहिती। जे राष्ट्रवादी राजवट लावायचीच असेल तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र एकदम लावा, लावा ना। हे ढोंग चालली आहेत सगळी, हे 2-4 लोक जातात दिल्लीला, उतरतात, पत्रकारांना भेटतात, महाराष्ट्राची बदनामी करतात। महाराष्ट्राच्या बदनामीचे षडयंत्र,
आणि हे षडयंत्र असंच चालू राहिलं तर या महाराष्ट्र द्रोही जी लोक आहेत त्यांच्या लोक जागोजाग चपला मार. संजय पांडे मुझे मालूम नहीं कौन जा रहा है, कोई डेलीगेशन जा रहा है दो चार लोग पकड़ कर. क्या हो गया महाराष्ट्र में, किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बताइए. अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए. लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है. उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई है, आपको मालूम है. तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहाँ. वो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे. योगी जी सक्षम है मैं मानता हूँ, योगी जी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है. तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे. ये तमाशा बना रखा है लोगों ने. चलो धन्यवाद. संजय पांडे मदद करत नहीं है. संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी आहेत, संजय पांडे एक निष्पक्ष प्रामाणिक अधिकारी आहेत, बरं का. त्याच्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांवरती असे आरोप करू नये. भारतीय जनता पार्टी ने रविवार रात राज्य में बिजली की कमी के कारण लोड शेडिंग, बिजली दरों में 25% वृद्धि और बिजली बिलों में सुरक्षा जमा को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यव्यापी लालटेन आंदोलन किया. सोनिया गांधी भाजपा नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर के संविधान चौक पर लालटेन जलाने के आंदोलन का नेतृत्व किया. नागपुर में भाजपा के सभी विधायकों, पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था. इस समय भाजपा ने राज्य सरकार के प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध किया और घोषणा में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत मुर्दाबाद कहा. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में लालटेन जलाई. बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार को वेट रेगुलेशन तुरंत रोकने की चेतावनी दी है, वरना वो मंत्रियों को वापस नहीं आने देगी. भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी लोगों से बिजली बिल में जमानत राशि का भुगतान नहीं करने की अपील की है. उन्होंने ये भी कहा कि वजन नियमन के विरोध में अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत सभी मंत्रियों को लालटेन दी जाएगी. आणि ऊर्जा मंत्री रोज खोटं बोलतायत. या राज्यात लोड शेडिंग नाही म्हणून सांगतात. अरे चला गडचिरोलीमध्ये 2 तास वीज मिळतंय, चला मेळघाटमध्ये 2 तास वीज मिळतंय, नंदुरबार पालघर बीडमध्ये चला 2 तास वीज मिळतंय. आता तर अशी परिस्थिती आहे. आज तर प्रवीण दटके, अरविंद गजबी यांनी कंदील हातात घेतला आहे. पुढच्या 8 दिवसात लोड शेडिंग रद्द झाला नाही तर प्रवीण दटके, अरविंद गजबीजी आपल्याला ऊर्जा मंत्र्याच्या घरी हा कंदील पाठवायचा आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्याच्या घरी प्रत्येक कार्यकर्ता कंदील पाठवेल आणि महाराष्ट्राच्या मंत्र्याला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. ही योजना भारतीय जनता पार्टी केल्याशिवाय राहणार नाही. आज या ठिकाणी लोड शेडिंग आहे. या ठिकाणी या सरकारने 2 वर्षांमध्ये या कंपन्याला डुबवलं. 18,000 कोटी रुपयाच्या वर अजित पवारांनी थांबून ठेवले. या 2 मंत्र्यांच्या वादात, ऊर्जा मंत्री आणि वित्त मंत्री, या दोघांच्या वादामध्ये 18,000 कोटी रुपये थांबले. एकीकडे गरीब माणसाचं कनेक्शन 500 रुपये खर्च करताय, दुसरीकडे सरकारकडे 18,000 कोटी थांबलेले आहे. ग्राम विकास, नगर विकास खात्याने पैसे थांबवले आहेत आणि दुसरीकडे महागडी वीज खरेदी केल्यामुळं जवळपास 25% विजेचे रेट वाढून आले आहेत. जानेवारी फरवरी पासून जानेवारी महिना लोड शेडिंग मुक्त असलेलं देशातलं नंबर 1 ते राज्य, ज्यांनी 45 लाख शेतकऱ्यांना वीज दिली पण कधी कनेक्शन तोडलं नाही, ते राज्य आज 15व्या नंबरवर पाठवण्याचं काम नितीन रावजी तुम्ही केलं आहे, नितीन रावजी तुम्ही केलं आहे. अरे देवेंद्र फडणवीस सरकारने या महाराष्ट्रात ऊर्जा खात्याला चांगले दिवस आणले, पण तुम्ही ऊर्जा खातं डुबवलं. तुम्हाला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही आणि आज या महाराष्ट्र अंधारात टाकण्याचं पाप आपण केलं. आज जनरेटर हॉस्पिटल सुरू झाले, ऑनलाईन वर सर्व बंद पडलेलं आहे, होम फॉर वर्क योजना बंद पडली आहे, सारच बंद पडलं आहे. आणि म्हणून आणि दुसरं तर एवढं मोठं पाप केलं आपण, एकीकडे 2,500 मेगावॅटचं लोड शेडिंग केलं आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रातले 7 संच जे 10,000 मेगावॅट वीज रोज तयार करायला पाहिजे,
सरकारचे पॉवर प्रोजेक्ट 2500 मेगावॅटचे संच ट्यूब लीकेज फॅन लीकेज या कारणाकरता तुम्ही बंद ठेवले आणि प्रायव्हेट वीज खरेदी करतायत. तुमच्या मनात सरकारचे प्राण मत ठेवायचे आहे आणि प्रायव्हेट वीज खरेदी करून कमिशन खोरी करण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे. तुम्हाला कमिशन खोरी करायची आहे आणि म्हणून तुम्ही या ठिकाणी लोड शेडिंग केलं आहे. धूप और बादलों की आंख मिचौली का दौर रविवार को नागपुर में देखने को मिला. फिर भी पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस चढ़कर 42.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा. मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी 2 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और चढ़ सकता है. ऐसे में हीटवेव की समस्या से शहरवासियों को रूबरू होना पड़ेगा. विदर्भ में रविवार को अधिकांश जिलों में पारा 41 और 42 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया. रविवार को 42.5 डिग्री के साथ वर्धा सबसे गर्म रहा, जबकि बुलढाणा 39.3 डिग्री के साथ सबसे कम रहा. मौसम विभाग की माने तो नागपुर में पारा 44 डिग्री के करीब आगामी 2 दिनों में जाने के आसार बन रहे हैं. रविवार से नागपुर में वातावरण शुष्क होना शुरू हो गया है. सुबह 33% आर्द्रता रही, जबकि शाम को 21% पर जा पहुंची. गोंदिया में 42.2, अकोला अमरावती में 42, चंद्रपुर में 41.4, यवतमाल ब्रह्मपुरी में 41, गढ़चिरौली में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. ज्ञात हो कि सप्ताह भर पहले तक विदर्भ खूब तप रहा था. 45 डिग्री के ऊपर पारा पहुंचने से पूरे विश्व में ब्रह्मपुरी चंद्रपुर शीर्ष गर्म शहरों में शुमार थे, लेकिन फिलहाल पारा घट चुका है. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. एसटी महामंडल के शासन में विलय की मांग को लेकर जारी पिछले 5 महीनों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है. कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने पर सहमति दी और सभी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन पिछले 5 महीने में महामंडल प्रशासन की ओर से हुई सभी कार्रवाई को वापस लेने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया था. इसके तहत एसटी महामंडल ने सभी कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने का फैसला लिया. इन एफआईआर में बसों को रोकने, अन्य कर्मचारियों को काम पर जाने से मना करने और सरकारी कार्य में
बाधा समेत अन्य मामले भी शामिल हैं। कलमनौर कॉटन मार्केट में नींबू की आवक गत एक माह में बढ़ी है। इससे 700 से 800 रुपए प्रति सैकड़ा मिलने वाला नींबू अब 300-400 रुपए में मिल रहा है। रिटेल में अब ये 15 से 20 रुपए के बजाय 8 से 10 रुपए में बिक रहा है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश से नींबू का उत्पादन प्रभावित हो रहा था। इससे नींबू की आवक कम और कीमत बढ़ रही थी, पर अब हालत धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मनवा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में असंतोष पनप रहा है। अब तक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने के खिलाफ नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। रविवार को कुछ पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुलेआम मोर्चा निकाला। एडवोकेट ताजने हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारी रोड स्थित पार्टी कार्यालय के सामने ही धरना आंदोलन किया। इस दौरान पूर्व पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष ताजने पर पार्टी में पद देने के लिए सीधे पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। आंदोलनकारी पदाधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों के लिए पैसा मांगा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी के पैसों से अपना घर बनाया है, इसके साथ खुद के लिए गाड़ी खरीदी है। इस धरना आंदोलन में पूर्व जिलाध्यक्ष विलास सोमकुंवर, पूर्व शहराध्यक्ष महेश सहारे, पूर्व प्रभारी योगेश लांजेवार, पृथ्वी शेंडे, रंजित सहारे सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहभागी थे। स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर सीताबर्डी पुलिस ने छापा मारा। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीताबर्डी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच भी जारी है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने दी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीताबर्डी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धर्मपेट स्थित ग्लो स्पा में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने उक्त जगह पर छापा मारा, जिस दरमियान दो पीड़ितों को उन्होंने हिरासत में लिया। वही पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने दी है। काल संध्याकाळी सीताबर्डी पोलीस स्टेशन मध्ये आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळाली की ग्लो स्पा हे स्पा अँड सलून धरमपेठ या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणी पैशाचं प्रलोभन दाखवून काही पीडितेंच्याकडनं देह व्यापार करून घेतला जातो अशा प्रकारची माहिती आम्हाला मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही प्रॉपर सापळा रचून आणि योग्य त्या कायदेशीर मार्गाने त्या ठिकाणी आम्ही रेड केली असता त्या ठिकाणी आम्हाला आरोपी आणि दोन मुली त्या ठिकाणी देह व्यापार करताना मिळून आल्या, तर त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं, योग्य ती कारवाई करून त्यांच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे। सदर पीडितांना आम्ही सूचनापत्र देऊन सोडून दिलेलं आहे आणि त्याच्यातला जो मुख्य आरोपी होता, जो स्वतःच्या फायद्याकरता त्या मुलींच्याकडनं देह व्यापार करून घेत होता, त्याला आम्ही अटक केलेली आहे आणि आता न्यायालयात प्रोड्यूस केलेलं आहे। आरोपीचं जे नाव आहे ते तुलसी बारीकदार असं आरोपीचं नाव आहे। हा काही महिन्यांपासून त्या ठिकाणी चालू होता असं समजतंय, परंतु आता त्याच्याबद्दल तपास आम्ही करू आणि तपासामध्ये जे काही निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करू। पुलिस ने इस मामले में जिन दो पीड़ितों को हिरासत में लिया उनको सूचना पत्र देकर उन्होंने रिहा कर दिया। वही गिरफ्तार आरोपी का नाम तुलसी बारीकदार बताया गया है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज के लिए। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।